जल्द ही महाशिवरात्रि आने वाली है। इस दिन आपको पता है क्या हुआ था? इस दिन माता पार्वती और शंकर जी की शादी हुई थी और उस दिन से ही महाशिवरात्रि मनाई जाती है। यस, इस दिन आप शंकर जी की पूजा कर लेते हो, आप शंकर जी के मंदिर चले जाते हो। महाशिवरात्रि के दिन एग्जैक्टली करना क्या चाहिए जिससे शंकर जी खुश हो? आपको तो पता है कि माँ पार्वती ने कितनी तपस्या की, उसके बाद में उन्हें शंकर जी मिले। तो ये सबसे बेस्ट अवसर रहेगा जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है। अब इस दिन हर किसी की मनोकामना पूरी होने वाली है, नॉट ओनली फॉर द शादी, फाइनेंस, लोन रीपे, घर, रिलेशनशिप, बिजनेस, हर किसी के लिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए गाइज, मैं शीतल बाकरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। पूजा, आप सबको पता है कि महाशिवरात्रि के दिन आप अभिषेक कर लेते हो, तो उसमें पंचामृत बना लीजिए, उससे अभिषेक कर लीजिए। उसमें रहेगा दूध, दही और उसमें रहेगा घी, मद, शहद और शक्कर। इन पांच चीजों से आप अभिषेक कर लोगे। उसके बाद में जब आप मंदिर जा रहे हो तो सफेद वस्त्र का यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। फिर वो लेडीज होने दीजिए, जेंट्स होने दीजिए। उसके बाद में जब आप मंदिर जाओगे, आप अभिषेक करोगे, आप भोग लगाओगे, भोग लगाने के बाद भोग में थोड़ा सा केसर डालना मत भूलिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार मंदिर जाना पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो यस डेफिनेटली घर के मंदिर में जब आप भोग लगाओगे तो केसर का यूज करना बिल्कुल मत भूलिए। अब आते हैं डोनेशन पे। इस महाशिवरात्रि, देखिए पूजा की विधि हम सबको पता है, जाके अभिषेक करना है दूध से, दही से। बहुत बार मैं देखती हूँ कि दूध दही की आप लोग बहा देते हो गंगा, ऐसे मत करिए। दूध और दही किसी जरूरतमंद को अगर आप दे दोगे तो उसका अभिषेक अमेजिंग अभिषेक होगा, ये मैं बोल सकती हूँ। अब आते हैं कौन से फूल शंकर जी को पसंद है। तो यस, जितना पॉसिबल है वहां पे अगर आप खुश करने के लिए अलग अलग तरीके से फूल अगर अर्पण करते हो। देखिए एक ही कलर के फूल अर्पण करने से इस बार हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। नीलकंठी बोला जाता है तो ब्लू कलर के फूल ले लीजिए, मिल जाते हैं। फिर येलो कलर के फूल आपको मिल जाएंगे, लाल कलर के फूल मिल जाएंगे और कोशिश करिए सफेद कलर के फूल ना अर्पण करें। अब ये तीन कलर के फूल अगर आप अर्पण कर रहे हो, एक फूल अर्पण करके ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, दूसरा फूल अर्पण करोगे ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, तीसरा फूल अर्पण करोगे ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। अब आपको करना क्या है एग्जैक्टली, इन तीनों फूलों के अंदर एक व्हाइट कलर के पेपर में ग्रीन कलर के पेन से आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, जो भी आप भगवान जी से मांगना चाहते हो, उस फूल के अंदर छोटी सी चीट बना के हम लोग डालेंगे। यस, इट इज अ डिफरेंट बट यस, ये आपकी जो विश है ये भगवान जी के पास पहुंचने के लिए सबसे आसान तरीका है। आपको नीलकंठी, नीला फूल, पीला फूल और लाल फूल लेना है। तीनों में आपका विश छोटी सी चीट में बांध के अंदर उसको छुपा देना है, मुश्किल से भी दिखना नहीं चाहिए, वो उसे छुपा दीजिए और यस बस अर्पण करके ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, भोले शंकर को याद कर लीजिए, आपकी जो भी मनोकामना है वो 21 बार वहां पे बोल लीजिए और उसके बाद में बाहर आके चंदन पाउडर, चंदन की छोटी सी लकड़ी या तो फिर आप चंदन रिलेटेड कोई भी अगरबत्ती भी चलेगी, वो अगर आप डोनेट करते हो, गिफ्ट करते हो फैमिली फ्रेंड्स या कहीं पे भी अगर आप डोनेट करते हो, तो यस महाशिवरात्रि के दिन ये सबसे अच्छा गिफ्ट आप सबके लिए होगा और इससे आपके आने वाले गिफ्ट्स की लिस्ट बहुत अमेजिंग होगी और आपकी विशेष भी सारी कंप्लीट होते हुए आप लोग देखोगे, क्योंकि महाशिवरात्रि त्योहार ही ऐसा है जहाँ पे हर किसी की मनोकामना पूरे करने के लिए भगवान भोलेनाथ हमें मदद करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।